बंदे हैं हम एक मालिक के, एक दूसरे का सहारा है, एक जान से आठ जान बचाए, ऐसे कर्म से आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुनैना सिंह। सुनैना ऑर्गन इंडिया की सीईओ हैं और उनके साथ एक खास मेहमान है जो हैं डॉक्टर सुरेश बधान। डॉक्टर बधान नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पूर्व कंसल्टेंट कोऑर्डिनेशन हैं। आज हमें डॉक्टर बधान अंगदान से जुड़ी सामान्य जानकारी देंगे, जैसे कि अंगदान क्या होता है, कौन कर सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। Over to you, Sunaina. धन्यवाद पायल। डॉक्टर बधान, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बधान, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि अंगदान हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी विषय क्यों है? हमारे देश में अंगों की बहुत भारी कमी है। जैसा कि पाया जाता है कि अगर हमें गुर्दों की ज़रूरत है, करीब करीब 2 लाख हर साल हमें गुर्दों की ज़रूरत है, नए मरीज़ इसमें जुड़ जाते हैं, जबकि हमारे पास व्यवस्था केवल 10,000 के लगभग की है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाते हैं। इसी तरह से बाकी अंगों के बारे में भी यही सीन है कि बहुत ज़्यादा कमी आती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हमारे पास सप्लाई है, पूर्ति है, इनकी बहुत कमी है। इस वजह से हमें इनके अंगदान का विषय एक बहुत ही ज़रूरी विषय बन जाता है, जिसके बारे में कि हम लोग चर्चा करें। कितने मरीज होंगे भारत में जिन्हें अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत है, क्या इस पे कोई डेटा है हमारे पास? एग्जैक्टली कितने लोग हैं जो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर के शिकार होते हैं, और जैसे पिछले सालों में कितने डोनेट होते हैं? इस चीज़ के बारे में कोई एक एग्जैक्ट पूरा डेटा हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल रजिस्ट्री तो बनाई हुई है, पर अभी वो पूरी तरह से कारगर नहीं हुई है। पर जो एस्टिमेट किए जाते हैं उनके हिसाब से कि हर साल किडनी के लिए 2 लाख नए लोग वेटिंग लिस्ट में जुड़ जाते हैं। पर एक बार में अगर हम बात करें, या 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो किडनी की इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो करीब करीब 50,000 लोग ऐसे हैं जिनको के हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और एक सब और महत्वपूर्ण अंग जो है वो लिवर होता है। लिवर भी करीब करीब 50,000 लिवर है जो हमें सालाना लिवर्स की ज़रूरत होती है। तो ये 3 मेन अंग हैं जो के ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और जिनकी इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। अगर हम बात करें कि हमें मिल कितने रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि 2 लाख किडनीज के अगेंस्ट हमारे पास केवल मुश्किल से 10,000 हर साल जो है मिलते हैं किडनीज जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, कि जो हमें ब्रेन डेड व्यक्ति से मिलते हैं वो केवल 2,000 के लगभग, और 8,000 जो हैं वो लिविंग डोनेशन से मिलते हैं। इसी तरह से लिवर जो है वो मुश्किल से 1500 के लिवर हैं जो हमें ट्रांसप्लांट के लिए मिलते हैं। और हार्ट की जहां तक हम बात करें, पिछले साल हमारे भारतवर्ष में केवल 350 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं। डॉक्टर बधान, आप अंगदान के बारे में विस्तार से बताइए कि ये क्या एग्जैक्टली होता है और कैसे होता है और कब होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। अंगदान जो है, अंगदान 2 प्रकार का होता है, एक लिविंग डोनेशन होता है और एक जो होता है डिसीज डोनेशन होता है। तो हमारे भारतवर्ष में एक कानून बना था जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 कहते हैं। इसको 2011 में एक बार बदला भी गया था, जिसमें और कुछ इसमें प्रावधान ऐड किए गए थे। तो इस कानून के अंदर में लिविंग व्यक्ति या जिंदा व्यक्ति भी कुछ अंगदान कर सकते हैं, और इसी तरह से और मृत व्यक्ति के बाद भी दान हो सकते हैं। जिंदा रहते हुए केवल 2 ही अंग हैं जो दान किए जा सकते हैं, जिसमें से, क्योंकि हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जिसमें से एक गुर्दा एक व्यक्ति को दान किया जा सकता है, और दूसरा जो है लिवर होता है। लिवर को भी एक लिविंग बंदा डोनेट कर सकता है। लिवर का करीब करीब 60% हिस्सा जो है वो ले लिया जाता है, 40% जिसका लिया जाता है उसमें छोड़ दिया जाता है, और कुछ ही महीनों में वो जो है जिसका लिवर लिया जाता है वो अपने आप बनने बढ़ के दोबारा से उसके नॉर्मल साइज पे आ जाता है। तो ये 2 अंग हैं जो कि सिर्फ जो है जीवित व्यक्ति के दिए जा सकते हैं, लिविंग डोनेशन। और बाकी जो अंग हैं वो ब्रेन स्टेम डेथ
कानून में ये एक परिभाषा दी गई हुई है कि ब्रेन स्टेम डेथ व्यक्ति कौन होता है। उसके बाद 6 अंग हैं जो लिए जा सकते हैं, इसमें किडनी और लंग्स दो जो कि जुड़वा अंग हैं, दो वो होते हैं, हार्ट है, लिवर है, पैंक्रियाज है और इंटेस्टाइन है। तो ये 6 एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक ब्रेन स्टेम डेड व्यक्ति का परिवार अंगदान का निर्णय लेता है तो वो अपने में 8 व्यक्तियों का जीवन बचा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसके बारे में विषय में और जानकारी हासिल करें। अच्छा ये बताइए, आपने लिविंग डोनेशन की अभी बात की, तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लिविंग डोनेशन में अपना गुर्दा या अपना लिवर दे सकता है? इस पे क्या लिखा है कानून में? कानून में इसके अलग अलग प्रावधान हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 1994 में एक्ट बना था, फिर 2011 में उसका एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट के बाद इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है, जैसे कि नियर रिलेटिव। नियर रिलेटिव में जो होते हैं भाई, बहन, माता पिता, दादा दादी और पोता पोती जो होते हैं, या स्पाउस या हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, वाइफ है तो इनको नियर रिलेटिव कैटेगरी में रखा गया है कानून के हिसाब से। अगर ये व्यक्ति कोई जिंदा रहते अपना दान करना चाहता है तो बहुत ही एक सरल प्रक्रिया है, अपना सिर्फ प्रूफ सबमिट करना होता है कि एप्लीकेशन में हॉस्पिटल में जहाँ ऑपरेशन कराना होता है तो वो हॉस्पिटल की कमेटी ही अगर सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो चेक करती है, अगर वो सही पाया जाता है तो वो डोनेट कर दिया जाता है। अगर मान लो ये है कि कोई व्यक्ति का कोई नियर रिलेटिव जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, तो अदर देन नियर रिलेटिव या फ्रेंड्स कैटेगरी में भी वो दूसरा भी उसको दान दे सकता है, पर ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि उसको प्रूव करना मुश्किल है। कानून ये कहता है कि इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। कोई आदमी अपने प्यार से या किसी को बहुत घनिष्ठ संबंध है उस तरह से वो दान करना चाहे तो कानून में वो भी प्रक्रिया है, पर उसके लिए एक स्टेट कमेटी या डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी होती है, उसके उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो सब प्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा बहुत पुराना मित्र था या ये हमारा दूसरा और कोई रिश्तेदार है, वो सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है और पैसों का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ अपनी इच्छा से अपने क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्यार है इसलिए दे सकते हैं। अगर वो कमेटी इस चीज़ को मान लेती है कि आप पैसों का लेन देन किए बिना अपनी इच्छा से ये किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहें तो कोई और व्यक्ति भी किसी को भी ये अंगदान कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर बदान, आपने ब्रेन स्टेम डेथ के बारे में बात की थी कि इसके बाद भी एक व्यक्ति अपने अंग दान में दे सकता है। तो ब्रेन स्टेम डेथ एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो अस्पताल में एडमिट है वो ब्रेन स्टेम डेड है? ब्रेन स्टेम डेड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक ब्रेन है जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे जो सांस की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करता है। किसी तरह की कोई हेड इंजरी जब होती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में हो जाए हेड इंजरी होती है, या हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज है या जिनको कहते हैं ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक, इस विषय में भी जब उनको ब्रेन की सप्लाई बाधित हो जाती है तो वो हो जाता है, तो इन चीज़ों में जो है वो ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है। ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब ये होता है कि अपने आप से व्यक्ति जो है जब ब्रेन स्टेम डेड हो जाता है तो उसका सांस अपने आप से नहीं चल सकती है, तो इसलिए अगर उसको कुछ देर तक कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसको वेंटिलेटर पे नहीं रखा जाए या नहीं डाला जाए तो वो आदमी की जो है फिर हार्ट की गति रुकने से भी मृत्यु हो जाती है। पर अगर हम उस कुछ थोड़े से समय में जब उसका ब्रेन स्टेम डेड हम देख लेते हैं हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए तो वो उसको कुछ समय तक और जिंदा रखा जा सकता है। और ये व्यक्ति ब्रेन डेड स्टेम डेड हो गया है या नहीं है, इस चीज़ की जान के लिए कुछ टेस्ट हैं जो हमारे कानून में दिए गए हैं, जो वो टेस्ट के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ब्रेन स्टेम डेड है या सिर्फ कोमा में है। जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 डॉक्टरों की टीम गठित की जाती है जो ये व्यक्तियों को दिए हुए जो कानून में लिखे हुए टेस्ट हैं उन टेस्ट को वो करते हैं। अगर वो ठीक पाते हैं कि ये वाकई में वो सारे टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की ब्रेन स्टेम डेड हो चुका है। इस प्रक्रिया को उन्हीं 4 डॉक्टरों द्वारा 6 घंटे के बाद दोबारा से दोहराया जाता है, और अगर वो 6 घंटे के बाद भी वो सारे के सारे टेस्ट और 4 डॉक्टर्स के द्वारा किए गए पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हम उस अवस्था में कह देते हैं कि ये ब्रेन स्टेम डेड व्यक्ति है। पर याद रखिए कि ये उस समय ये
व्यक्ति जो है इतने में वेंटिलेटर पे ही चलता होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेड जब हो गया है तो उसकी अपनी सांस लेने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। इसलिए अगर उसको सांस नहीं आएगा तो थोड़ी देर में उसके हृदय की गति भी रुक जाएगी और वो मृत हो जाएगा, फिर अंग उसके सारे बेकार हो जाएंगे। इसीलिए जब वो वेंटिलेटर पे है उस समय हम ये चीज़ें देखते हैं, करते हैं, और अगर वो ब्रेन स्टेम डेड डॉक्टर घोषित कर देते हैं तो उसके बाद फिर जो हमारा एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है वो परिवार के साथ अंगदान के विषय में कुछ चर्चा कर सकता है कि फैमिली को बता सकता है कि अब आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो एक बारी अगर किसी को ब्रेन स्टेम डेड घोषित कर दिया है आप डॉक्टरों ने, तो उसके बाद कौन निर्णय लेगा कि इस व्यक्ति के अंग दान हो सकते हैं कि नहीं? कितना वक्त होता है ये निर्णय लेने के लिए और उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? अभी जैसा कि बताया कि ब्रेन स्टेम डेथ होने के बाद उसके हृदय की गति कुछ घंटे तक या कुछ दिन तक वेंटिलेटर के सहारे जब तक हम सांस दे रहे हैं चल सकती है, पर औसतन 2 या 3 दिन का वो समय होता है जब ब्रेन डेड व्यक्ति जो है जिसको हम वेंटिलेटर तक रख सकते हैं। पर ये कोई पक्का नहीं कह सकता है कि 2-3 दिन, या कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, पर औसतन की बात हो रही है कि 2-3 दिन। इस अवस्था में जब हो जाता है, पहले तो डॉक्टर परिवार वालों को ये बताता है कि आपके जो हमारे पास मरीज था उसकी ब्रेन स्टेम डेथ मृत्यु हो चुकी है, कि सीधा ये नहीं है कि अंग मांग लिए जाते हैं। उनको पहले तो ब्रेन स्टेम डेथ के बारे में कुछ समझाया जाता है, ये क्या होता है, ये कोमा से हटके क्यों है, 2-4 डॉक्टरों की टीम ने 2 बार टेस्ट कर लिया है, वो इस बारे में कंफर्म हो चुके हैं। तो जब परिवार के लोगों को ये थोड़ा सा कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ हमारा जो मरीज था उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो फैमिली कंसेंट की बात आती है, जो कि सहमति कौन देगा। सहमति देखो कानून के हिसाब से तो जो उसका इमीडिएट रिलेटिव होता है जैसे स्पाउस कानूनन तौर पे, या अगर उसका कोई अडल्ट बच्चा है, वो अगर अनमैरिड है तो माता पिता, ये कानून में जिसको नेक्स्ट ऑफ द किन कहा जाता है वो दिया जाता है। पर हम ये चाहते हैं कि जो अंगदान का ये निर्णय है ये एक परिवार का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि परिवार में कई बार क्या होता है कि 2 भाई हैं, एक भाई देना चाह रहा है, एक नहीं देना चाह रहा है। चाहे कानून के लिहाज से सिर्फ एक जो के नेक्स्ट ऑफ द किन है वो सहमति दे सकता है, पर फिर भी काफ़ी हद तक ये कहा करा जाता है कि पूरे परिवार की उसमें सहमति हो तो ही ये अंगदान आगे विषय में हम बढ़ते हैं। अगर कोई परिवार का बड़ा सदस्य भी ऑब्जेक्ट भी करता है तो हम उसके बारे में कन्विंस करने की कोशिश की जाती है, पर अगर वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि परिवार में लड़ाई करवा के हम अपने अंग ले लेते हैं, पूरे परिवार की सहमति से ही किया जाता है। तो अगर परिवार ने मना कर दिया तो उसके अंग अस्पताल निकाल नहीं सकता? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर परिवार मना कर देता है कोई या परिवार का कोई भी सदस्य तो उसके अंग नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जो ये सहमति भी है ये लिखित में दी जाती है और जितने भी परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं उनके उस पर साइन करवाए जाते हैं। तो परिवार अगर सहमति नहीं देता है तो उसके बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता, उसके अंग जबरदस्ती नहीं निकाले जा सकते। इसका मतलब कि अगर मैं अपने लाइफ टाइम में ये अंगदान देना चाहूँ अपने जाने के बाद, लेकिन अगर मेरे फैमिली ने मना कर दिया तो मेरा अंगदान नहीं होगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा अंगदान नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने अंगदान का निर्णय लिया है वो मेरी एक सिर्फ विल है, विश है, वो ये नहीं है, उसको कोई कानून की सहमति नहीं है। क्योंकि मरने के बाद जो आपके बॉडी का अधिकार आपके परिवार के सदस्यों को होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे कि प्लेज करी जाती है, प्लेज जो कहते हैं कि मैंने अंगदान का निर्णय लिया और उसको प्लेज कहते हैं एक, और मेरे पास डोनर कार्ड भी होता है, वो देने के बाद ये नहीं है कि मैं उसको सिर्फ अपने तक ही सीमित रखूं, ये जानकारी मेरे को अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेनी चाहिए कि आज मैंने एक अंगदान का निर्णय लिया है, अगर कोई मेरे साथ ऐसी घटना होती है तो मेरे अंगदान कर दिए जाएं। इसको हम कहते हैं कि शेयर योर डिसीजन, अपना जो फैसला आपने लिया है अंगदान का निर्णय लिया है इसको अपने परिवारजन और जो निकट के मित्र हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, एक तो उनको भी अंगदान की जानकारी मिलेगी और दूसरा अगर उस अवस्था में कोई होता है मृत व्यक्ति और जिसने के डोनर कार्ड ले रखा होता है, तो जब डॉक्टर परिवार से ऑर्गन डोनेशन की बात करता है तो परिवार को फैसला करने में दिक्कत नहीं होती है, परिवार फैसला जल्दी से सहमति दे सकता है, क्योंकि हमें हमेशा ही कहा जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति की
इच्छा को पूर्ण करते हैं, पूरी की जाती है। तो अगर हमें पता होगा कि हमारे ये निकट संबंधी ने ये निर्णय लिया था अपने जीवन में, तो हमें जो है जो अंगदान की सहमति देने में थोड़ी मुश्किल कम होगी। डॉक्टर बदान, तो इसका मतलब कि सिर्फ जो व्यक्ति जो ब्रेन डेड है, ब्रेन स्टेम डेड है, वो अपने अंगदान कर सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु घर पे हो गई या अस्पताल के कहीं बाहर हो गई जहाँ पे वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे नहीं है, तो फिर वो अंगदान नहीं कर सकता या कर सकता है? जी ठीक है, आपने कि जो व्यक्ति जैसे वेंटिलेटर पर नहीं है, अस्पताल में जो डेथ हुई या घर पे किसी नॉर्मल डेथ हुई, उस केस में अंगदान नहीं हो सकता है। पर ऐसे केस में अगर जो होता है, हम जिसको ऊतक या टिश्यूज़ कहते हैं, कुछ टिश्यूज़ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन टिश्यूज़ का दान किया जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो जो है वो कॉर्निया या आँख, जिसको हम कहते हैं, जो कि पहले अंग के से भी पहले से ही इनका आँख दान का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो कॉर्निया, पहले पूरी आंख निकाली जाती थी, पर आजकल एक कॉर्निया लिया जाता है जिसको कॉर्निया डोनेशन कहते हैं। ये टिश्यू के एक कैटेगरी में आता है। घर के जो डेथ होती है या नॉर्मल हॉस्पिटल डेथ में ये टिश्यूज लिए जाते हैं। इस कॉर्निया के अलावा जो स्किन या चमड़ी होती है वो भी दान की जा सकती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो टिश्यू है, जैसे बोन्स हैं या हड्डियाँ हैं, उनको भी दान किया जा सकता है। ये नॉर्मल डेथ में ये तीन मेन टिश्यूज़ हैं, या हार्ट वेल्व्स या दिल के वाल्व, दिल के अंदर वॉल्व होते हैं, अगर दिल नहीं लिया जाता तो दिल के वॉल्व लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ एक प्रकार के टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, जो नॉर्मल डेथ में या घर की डेथ में इनको दान में किया जा सकता है। डॉक्टर बदान, हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनैना, थैंक यू डॉक्टर बदान। जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है, जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो है 1-800-120-3648। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9-6-5-9-5-2-8-1-0, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को ज़रूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखा सकते हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वक्त एक खूबसूरत गाने के साथ आपको अलविदा कहना चाहूंगी। आपका दिन शुभ हो, यही कामना करती हूँ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद और नमस्कार। बंदे हैं हम कमाल करके, एक दूसरे का सहारा है, एक जान से 8 जान बचाए, ऐसे कर्म से।